नमस्कार। जन सरोकार मंच के पटल पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आज अपनी पहली कविता सुनाते हुए हिंदी के महान कवि गोरख पांडे जी के प्रति श्रद्धांजलि और सम्मान को अर्पित करना चाहता हूं और उनके बारे में मैंने ये कविता लिखी है। गोरख पांडे जी का बहुत गहरा प्रेम था देश के किसानों मजदूरों के जीवन से और एक कवि के रूप में उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और आज की जो ये मेरी कविता है उसमें मैंने इन्हीं सब प्रसंगों को कविता के कथन में समेटा है। क्या तुम्हारी मौत की पुनरावृत्ति होगी? क्या तुम्हारी मौत की पुनरावृत्ति होगी? तहखानों में चीखती आवाजें, तहखानों में चीखती आवाजें, पहाड़ों पर गूंजती हवाएं, तहखानों में चीखती आवाजें, पहाड़ों पर गूंजती हवाएं, जब कभी मेरे मिट्टी के घर की सीलन भरी दीवारों से सटकर बहेगी, जब कभी मेरे मिट्टी के घर की सीलन भरी दीवारों से सटकर बहेगी, आह के उस सर्द बोझ से बढ़ नहीं पाएगी आगे, आत्महत्या करनी पड़ेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। चिरनिद्रित गोरख तुम जाग रहे हो अब भी, चिरनिद्रित गोरख तुम जाग रहे हो अब भी, खेतों में खलिहानों में, खेतों में खलिहानों में, गांवों में झोपड़ियों में और उस मोर्चे पर जहां लोग हारी हुई लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, जहां लोग हारी हुई लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। क्या तुम्हारी मौत की पुनरावृत्ति होगी? क्या तुम्हारी मौत की पुनरावृत्ति होगी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। और लड़ाइयां जो हैं वो चलती रहती हैं समाज में और इस लड़ाई में जो लोग भी न्याय का पक्ष लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो एक हमारे देश में संघर्ष की एक विरासत रही है, चाहे वो धर्म को लेकर के चलने वाली लड़ाइयां हों या पाप के विरुद्ध चलने वाला संग्राम हो। ये सब हमारे साहित्य की पुरा कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि मनुष्य समाज में सदैव संघर्षरत रहेगा और सदैव जीवन की बेहतरी को लेकर मनुष्य के जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए वो सदैव संघर्ष के पथ पर अग्रसर रहेगा। और गोरख पांडे एक ऐसे ही महान कवि थे जिनकी कविताओं में संघर्ष का आह्वान है।